आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। प्रदेश और केंद्र सरकार आमने सामने है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार केंद्र पर हमलावर है और अभी वर्तमान में जिस तरह से प्रदेश के कोल खदानों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उसके बाद कांग्रेस ने अब यहाँ पर ACCL मुख्यालय के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है, ACCL के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के बहाने वो केंद्र सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर कोल खदानों का आवंटन किया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, ऐसे में अब कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा है, वो दूसरे हाथों में नहीं जाएगी। आज आप लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, मांगे हैं जिसको लेकर आपने ऐलान? हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, जमीन हमारी, धरती हमारी, यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि संवेदनशील मुख्यमंत्री, जो कि किसान, नौजवान, मजदूर के लोगों के लिए जनसेवा का कार्य कर रहे हैं, और एक तरफ वो अडानी को खदान देने का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एक नया इलेक्शन ED के माध्यम से लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन का उपहार दे रहे हैं छापा डालकर। हम जैसे बेला डीला को वहाँ की जनता के साथ, और आज यहाँ भी पेलमा के सरपंच और वहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ आए थे इस धरना आंदोलन में, हम सभी किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा का शोषण नहीं होने देंगे। अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे दुखद पहलू है कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, लेकिन ACCL का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। यहाँ सरकारी नौकरियों में छत्तीसगढ़ के लोगों का कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही है, सब बंद कर दिया गया है। और अब जो लोग खदानों में काम कर रहे हैं, खदानों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, वहाँ भी बंद कर दिया जाएगा। हम इसके बाद खदानों को भी बंद करेंगे। अगर अडानी को बेचा गया तो जाकर खदानों के पास जाकर वहाँ विरोध करेंगे, आम जनता के साथ रहकर विरोध करेंगे। हम अपने छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का शोषण, दोहन नहीं होने देंगे, हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं। क्या लगता है, जिस तरह से CM ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि छत्तीसगढ़ की जो खदानें हैं उसका हम आवंटन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से केंद्र परेशान कर रहा है, तो अब ये लड़ाई आगामी चुनाव में क्या केंद्र और राज्य की होने वाली है? बिल्कुल, केंद्र और राज्य की होने वाली है। और हम सब लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार एयरपोर्ट, बंदरगाह सबको बेचने का उपक्रम कर रही है, रेलवे को सजा धजा कर पैसा लगा कर फिर उसको भी बेचेगी, अब खदान बंद करने का, हमारी छत्तीसगढ़ की जो संसाधन है उनको बेचने का काम कर रही है, और इस प्राइवेटलाइजेशन से जो आरक्षण जो लोगों को मिलता है, नौकरी मिले, वो सब बंद हो जाएगा। ये एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जिसके तहत आज जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस ने एक आंदोलन किया, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमारी छत्तीसगढ़ की खदान को बेचने नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है, खदान बेचने दी जाए? लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो कोल खदानें हैं वो ACCL अपना पक्ष रखता है कि ऑक्शन के जरिए वो खदानें जो हैं ग्लोबल ट्रेडिंग के जरिए उनको मिल रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा लॉज बना दिया जाता है कि वो खदानें सिर्फ अडानी ही ले सकता है, और उनको सीधा फायदा पहुँचाने के लिए ACCL ऐसे नियमों को बनाती है जिससे सिर्फ अडानी ही उस खदान को ले सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा भी है कि वो अडानी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचा सके, चाहे कोल के माध्यम से हो, चाहे बंदरगाहों के माध्यम से हो, चाहे अन्य प्रकार के एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, सभी प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों को नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अडानी को मिले और उनको व्यक्तिगत फायदा हो, ना कि देश के लोगों का फायदा हो, जनता का फायदा हो, ना कि देश का फायदा हो। कितना जो आम जनता है, सार्वजनिक उपक्रम जो है जो निजी हाथों में जा रहे हैं, आम जनता इससे कितना प्रभावित हो रही है, परेशान? देखिए, जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, अभी हम कोयले की बात करें तो कोयला खदानों को जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने अडानी को देने का काम किया है, उसमें गौर पेलमा की खदान जो है वो प्रमुख रूप से है, 7-8 खदानें और हैं, और 40 खदानों को और देने की बारी है। आम जनता इससे सीधे प्रभावित ऐसे होती है क्योंकि कोयला के बिना न कोई उद्योग धंधे चलते, न बिजली जलती आपके घर में, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। तो जब इन खदानों को 1973 में कांग्रेस की सरकार में इंदिरा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था हो सके और अच्छे से उसका उपयोग देश के हित में हो सके, आज उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ फिर से निजीकरण करने की दिशा में मोदी सरकार बढ़ रही है, और ये एक तरह का आतंक का वातावरण देश में बनाया जा रहा है कि हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। हमारे नेता राहुल जी इस मुद्दे को संसद में लगातार उठाते रहे कि केवल दो लोगों की सरकार न चले और देश को बेचने का काम, चाहे एरोड्रम हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोयला की खदानें हो, चाहे बड़े उद्योग धंधे हो जो सरकारी उसमें हैं, इसको बेचने में को रोका जाए, उसका परिणाम स्वरूप उनकी सदस्यता को समाप्त करने का भी षड्यंत्र रचा गया, और ये षड्यंत्र था ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने प्रमाणित कर दिया।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी के पक्ष में फैसला दिया। तो इस तरीके का वातावरण इस देश में बन रहा है, इसका विरोध करने के लिए हम सब कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन ये कोयला जरूरी भी तो है देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए, ऐसे में कोयला तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए कोयला निकाले एक सुनियोजित तरीका से, जो अभी इन लोग सुरक्षित जगह को जहाँ पर आदिवासी रह रहे हैं, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर हमारी जंगल में जो पशुएं हैं, ऐसे जगह को जबरदस्ती एक सुनियोजित ढंग से अपने कुछ व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जबरदस्ती अडानी जी को सामने करके वहां से इस तरह का दोहन कर रहे हैं, जिससे जल जंगल जमीन सब प्रभावित होगा। आगे किस तरह से आप लोग इसका विरोध जो है जारी रखेंगे? निश्चित रूप से हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, जो भारत की हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे उपक्रम को बेच करके और एक निजी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है, इसका हम सदा विरोध करते रहेंगे और आगे भी विरोध जारी रहेगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा जो अडानी जी को कोयला खदान और हमारे बक्साइड वगैरह जो खदानों को बेच रही है, उसके विरोध में हम आज धरना प्रदर्शन करके इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है कोयले का उत्पादन बढ़ाना। 36,000 करोड़ रुपया अपने देश का विदेशों में जाता है कोल इंपोर्ट को लेकर, जिसका सीधा सीधा असर रुपए के वैल्यूएशन पे पड़ रही है, हमारी इकोनॉमी पे पड़ रही है। हमारी जो देश की सरकार है उसकी यह कोशिश है कि हम कोयले का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसके लिए दो तरह से तरीके अपनाए गए हैं। पहला तरीका है वो कोल ब्लॉक के ऑक्शन का है, आवंटन का है, और दूसरा तरीका है कि सार्वजनिक कंपनियां जो हैं वो उन कोल ब्लॉक जिनको वो शुरू नहीं कर पा रही है, चाहे जियोग्राफिकल रीजन हो, स्थानीय कारक हो, उसको हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट कर रहे हैं जिनको अनुभव है, और उनको हम कह रहे हैं कि कोयला निकालिए। अच्छा, कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहेंगे। खदान ACCL की है, ACCL के पास ही रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनी है उसको मार्केट में कोयला बेचने का हक नहीं है, अर्थात वो केवल कोयला निकालेगी और कोयला वापस ACCL को ही देगी। तीसरी बात, इसमें जो रोजगार और दूसरे संबंधित अन्य मुद्दे हैं वो सब दूसरी खदानों के समरूप ही हैं, अर्थात उनमें कोई चेंज नहीं है। चौथी बात, हमने ACCL में 3 ऐसी खदानें दी हैं और तीनों 3 अलग अलग कंपनियों को दी हैं। जो हमारी सूरजपुर की खदान है वो नागपुर की SME कंपनी को गई है, एक और जो खदान है वो ESL माइनिंग को गई है, और तीसरी खदान ग्लोबल टेंडर के जरिए इस कंपनी को आई है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम सबका जो सामूहिक प्रयास है कि अधिक से अधिक कोयला उत्पादन बढ़ाया जाए, उसमें यह सहयोगी साबित होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो हमलावर है, लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। वर्तमान में जिस तरह से जो कोल खदान है उसके आवंटन को लेकर कांग्रेस यहाँ पर हमलावर है, आगे भी ये लड़ाई जिस तरह से आगामी दिनों में चुनाव होने वाली है और जो लड़ाई आगे बढ़ सकती है, और केंद्र और राज्य सरकार आगामी दिनों में आगामी चुनाव में आमने सामने आ सकते हैं। कमरम सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर।